हेलो एवरीवन दिस इज मानवी एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर लेक्चर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग सीरीज लॉन्च्ड बाय पीडब्ल्यू स्किल्स लास्ट लेक्चर में हमने लूप्स के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे इंक्लूडिंग फाइंडिंग द काउंट ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इस तरह के क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में यूज किए थे उन सारे ही क्वेश्चन में हमने सिंगल फॉर लूप यूज किया था मोस्टली आज के लेक्चर में हम लूप यूज करने वाले हैं पैटर्न की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अभी देखेंगे की पैटर्न की प्रॉब्लम क्या होती है एंड एज ए सेट लास्ट लेक्चर में हमने सिंगल लूप यूज किया था इन दिस लेक् सो टूडेज चेकलिस्ट विल लुक समथिंग लाइक दिस वी विल प्रिंट रेक्टेंगुलर पैटर्न एंड सम वेरिएशन ऑफ रेक्टेंगुलर पैटर्न देन विल प्रिंट ट्राइंगुलर पैटन एंड अगेन सम मोर वेरिएशन ऑफ ट्राइंगुलर पैटर्न एंड अगेन रेक्टेंगुलर एंड ट्राइंगुलर पैटर्न

सो so, लूप्स हमें पता है ठीक है हम आइट्रेशन के लिए यूज करते हैं कोई ऑपरेशन हमें बार बार परफॉर्म करना है उसके लिए हम लूप्स यूज करते हैं एंड हाउ लूप्स लुक लाइक इज दिस राइट जीरो से थ्री तक लूप चल रहा है एंड आई प्लस प्लस हम कर रहे हैं एंड वी हैव टू डू समथिंग इनसाइड द लूप ठीक है loop. ये एक सिंगल लूप होता है अब इस लूप के अंदर हमने लेट्स लिख दिया तो फोर टाइम्स हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा वाई फोर टाइम्स क्योंकि हमने इसको जीरो से शुरू किया है सो so, जीरो अगर इसके अंदर सिंगल स्टेटमेंट लिख दिया जाए वो तो एक सिनेरियो हुआ बट अगर इस लूप के अंदर एक और लूप लिख दिया जाए जैसे ये फॉर जे इज इक्वल टू वन जे लेस देन इक्वल टू लेट्स से थ्री ओनली एंड जे प्लस प्लस तो ये क्या हो रहा है ये एक लूप के अंदर हमने लूप लिखा है इसी को हम कहते हैं नेस्टेड लूप तो ये जो बाहर वाला लूप है ये है आउटर लूप और ये जो अंदर वाला लूप है ये है इनर लूप अब एक लूप के अंदर आपने एक और लूप लिख दिया अब इस येलो लूप के अंदर भी आप एक और लूप लिख सकते हैं इस तरह से नेस्टिंग किसी भी लेवल तक जा सकती है ठीक है तो इसी को हम नेस्टेड लूप कहते हैं अब फॉर एग्जाम्पल लेट सी कि इससे होता क्या है ठीक फॉर आई इक्वल टू वन टू थ्री बाहर वाला लूप कितनी बार चल रहा है थ्री टाइम्स करेक्ट जो आई की फर्स्ट आइड्रेशन है आउटर लूप की फर्स्ट आइड्रेशन के लिए जे लूप चलने वाला है एंड हाउ मेनी टाइम्स थ्री टाइम्स सो वेन आई इज इक्वल टू वन जे लूप विल रन द सेकेंड विल रन एंड हाउ मेनी टाइम्स इट विल रन इट विल रन थ्री टाइम्स वन टू एंड थ्री एंड देन वेन जेज आइट्रेशन पे आएंगे करेक्ट तो आई की सेकेंड आइट्रेशन शुरू होगी फिर आई की सेकेंड आइट्रेशन शुरू होनी है और जे अगेन तीन बार चलेगा ठीक है फिर आई की अगर थर्ड आइट्रेशन शुरू होगी और जे फिर से तीन बार चलेगा ठीक है तो आई वाला आउटर लूप जो है वो तीन बार चल रहा है और आइटर लूप की हर एक आइट्रेशन के लिए जे लूप चलता है ठीक है कि उसका output क्या होना चाहिए. हम यहाँ पे आई कॉम ए जे प्रिंट कर रहे हैं सी आगे के लेक्चर को समझने के लिए नेस्टेड लूप्स को समझना बहुत जरूरी है इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे और आगे के क्वेश्चन में उस टाइम को सेव करेंगे सो so स्टार्ट हम ड्राई रन करते हैं सो ड्राई रन क्या होता है टू गो थ्रू अ कोड एंड सी कि कहा पर क्या हो रहा है स्टेप बाय स्टेप ठीक है सो so आई की वैल्यू वन से स्टार्ट होती है सो इनिशियली आई इज वन करेक्ट सो आई इज इक्वल टू वन नाउ वॉट विल हैपन आपको फॉर लूप पता है ना कैसे काम करते हैं पहली बार जब चलेगा तो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट चलेगी उसके बाद कंडीशन चेक होगी वन लेस देन इक्वल टू थ्री है ठीक है आई प्लस प्लस यहां पर नहीं होता है आई प्लस प्लस ब्रैकेट के एंड में होता है जब फॉर लूप एंड हो रहा होता है उससे जस्ट पहले आई की वैल्यू इंक्रीज होती है ठीक है तो ये फाइनल एक्सप्रेशन लास्ट में वैल्यूएट होता है यहां पर नहीं तो आई की वैल्यू वन ही रहेगी एंड वी विल एंटर इन साइड द लूप अब लूप के अंदर पहली स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है एक और लूप लिखा हुआ है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम जे ठीक है तो यहां पे जे की वैल्यू क्या है वन और जे लेस देन इक्वल टू थ्री है येस और अगेन जे प्लस प्लस, प्लस यहाँ नहीं होगा जे प्लस प्लस येलो ब्रैकेट ए क्लोजिंग ब्रैकेट से जस्ट पहले होगा तो हमें प्रिंट करना है आई एंड जे ठीक है तो आई की वैल्यू वन है जे की वैल्यू भी वन है तो यहाँ पे क्या प्रिंट होने वाला है हम एक काम करते हैं यहाँ पे अपने आंसर्स प्रिंट करते हैं सो तो वन कॉमा वन प्रिंट हो जाएगा ठीक है तो प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद येलो वाला क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया इस पॉइंट पे J की वैल्यू टू हो जाएगी करेक्ट की वैल्यू हो गई एंड देन वी आर अगेन ऑन दिस फॉर लूप नीचे नहीं आएंगे आप अभी आप फॉर लूप की कंडीशन चेक करेंगे ना कि जो जे न्यू न्यू जे जो हमारा हुआ है क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जे लेस देन इक्वल टू थ्री है राइट सो कंडीशन इज सैटिस्फाइड एंड देन वी विल अगेन प्रिंट आई एंड जे देखिए एक चीज देखिए जे की वैल्यू तो चेंज हो गई है पर आई की वैल्यू तो वन ही है ना क्योंकि आप आउटर लूप की है तो आई की वैल्यू वन ही रहेगी और जे की वैल्यू टू हो जाएगी ठीक है तो अब जे टू से क्या हो जाएगा थ्री क्योंकि क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया इनर लूप का तो जे की वैल्यू हो गई थ्री अब जे इज लेस देन इक्वल टू थ्री दिस इज ट्रू राइट सो वी विल अगेन एंटर द्रेसिस ऑफ दूप नाउ आई की वैल्यू become स्टिल क्योंकि स्प्रिंट स्टेटमेंट के बाद सीधा क्लोजिंग ब्रैकेट है और क्लोजिंग ब्रैकेट पे जे की वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाएगी अब हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या जे लेस देन इक्वल टू थ्री है जे लेस देन इक्वल टू थ्री नहीं है फोर इज नॉट लेस देन इक्वल टू थ्री सो फाइनली हम इस फोर रूप से बाहर आएंगे ठीक है और हम बाहर आकर कहाँ पहुंच रहे हैं इस रेड ब्रैकेट पे पहुंच रहे हैं रेड ब्रैकेट इज द आउटर लूप आउटर लूप कौन सा है I वाला लूप है। फॉर जे इक्वल टू वन लिखा हुआ है अब जे की वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज होगी क्योंकि फॉर द सेकेंड नाइट्रेशन जे वाला लूप पहली बार चल रहा है इस बार हम जे इक्वल टू वन को स्किप नहीं करेंगे क्योंकि ये पहली बार चल रहा है एक बार लूप शुरू हो जाता है उसके बाद इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट उस पर्टिकुलर लूप के लिए रन नहीं होती पर अगर आप नया लूप शुरू कर रहे हैं तो तो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट रन होगी ना तो यहाँ पे जे की वैल्यू हो जाएगी वन एक बार फिर से जे इज लेस देन इक्वल टू थ्री और हम प्रिंट करने वाले हैं आई एंड जे सो आई इज टू नाउ एंड जे इज वन करेक्ट नाउ जे इज वैल्यू विल बिकम

Now j values will become four. The condition will violate. Four is not less than or equal to three. We will come out of the inner loop and the next iteration of the outer loop, which is i, will happen. So i's value will change to three. Condition is satisfied. We will go inside the loop. J is equal to one. Again started from one. So i's value is three this time, and j's value is one. Check. एंड वी हैव टू प्रिंट आई एंड जे आई क्या है आई थ्री है और जे वन है तो वो हमने प्रिंट कर ही दिया अब जे की वैल्यू टू हो जाएगी फिर से आई और जे प्रिंट होगा तो थ्री कॉमर टू प्रिंट हो गया फिर थ्री हो गई फिर से थ्री कॉमर थ्री प्रिंट हो जाने वाला है क्योंकि आई तो थ्री ही है और जे थ्री हो गया ठीक नाउ जे विल बिकम फोर इनर लूप विल एंड अगेन एंड वी विल गो टू दउटर लूप इनक्रीमेंट नाउ आई विल बिकम फोर एंड दंडीशन वॉयलेट्स सो वी फाइनली एग्जिट दउटर लूप एंड आर कोर्ट इज कम्प्लीटेड ठीक है तो आउटपुट क्या बना हमारा वन कॉमा वन वन कॉमा टू वन कॉमा थ्री एंड गोज ऑन अब आप नोटिस कीजिए कि वन जो है यहाँ पे आई की वैल्यू वो पहले वन ही रहती है और जे की वैल्यू वन टू थ्री हो जाती है क्योंकि आई इज फिक्स फॉर आई इक्वल टू वन वी आर हैविंग हैगेन इज वैल्यू एज देन अगेन इज वैल्यू चेंजेस टू टू एंड इज वैल्यू करस्पॉन्डिंगली रिमेन्स वन टू थ्री एंड देन इज वैल्यू बिकम्स थ्री एंड जे इज वैल्यू अगेन गोज फ्रॉम वन टू थ्री ठीक है मैंने येलो ब्लॉक में आपको आई का रिजल्ट दिखाया मतलब आई इक्वल टू वन के लिए फिर रेड ब्लॉक में आईक्वल टू टू के लिए जो आउटपुट आया और फिर से येलो ब्लॉक में आई इक्वल टू थ्री के लिए ना वट आई वॉन्ट इज की ये जो आई इक्वल टू वन जब खत्म हो रहा है ना तो आई वॉन्ट अर मतलब ऑब्वियसली वी आर अगेन ऑन न्यू लाइन बट हमें एक एक्स्ट्रा लाइन चाहिए जब आईक्वल टू वन खत्म हो जब आई इक्वल टू टू खत्म हो बेसिकली एट दिस पॉइंट आई वॉन्ट एन एक्स्ट्रा लाइन एंड एट दिस पॉइंट आई वॉन्ट एन एक्स्ट्रा लाइन अब ये लाइन्स कब आ रही है ये लाइन एक आई की आइट्रेशन खत्म होने पर आ रही है करेक्ट सो so ये हमें कहीं पे न्यू लाइन ऐड करनी है और हमें कहा न्यू लाइन ऐड करनी है जब आई की एक आइटरेशन खत्म होती है तो हम न्यू लाइन का स्टेटमेंट कहाँ ऐड करें हम ऐड करेंगे इस पॉइंट पे यहाँ पे यहाँ पे हम लिखेंगे एस आउट लाइक बस एस आउट लिख के छोड़ देंगे प्रिंट एलन जो न्यू लाइन वाली लाइन होती है ठीक है तो उससे क्या होगा यहाँ पे हमें न्यू लाइन मिल जाएंगी हर आई की वैल्यू के बाद ठीक है तो ये होते हैं nested loops, a loop within a loop. Confused नहीं होना है। एक लूप के अंदर जो भी स्टेप्स हैं, वो सारे परफॉर्म होने हैं अब एक लूप के अंदर एक लूप हो सकता है कुछ और हो सकता है ठीक है तो सिंपल सी कहानी ये है द सेकंड थिंग टू टेल यू इज द डेफिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स आपने इलेवन ट्वेल्थ में मैट्रिसेस पढ़े हैं ऐसा कुछ दिखता था है ना? करेक्ट तो इसमें आपको हो सकता है रोज कॉलम्स पहले से पता हो क्या होते हैं बट हम सेम पेज पर आ जाते हैं एक बार समझ के तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है ना हमें ये 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 इनको कहा जाता है रोज ठीक और जो ये वर्टिकल लाइंस हैं ये दिस 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 इन्हें कहा जाता है कॉलम्स ठीक है फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस हाउ मेनी रोज डू वी हैव दिस इज रो नंबर वन दिस इज रो नंबर टू दिस इज रो नंबर थ्री एंड रो नंबर फोर सो वी हैव फोर रोज इन दिस एग्जाम्पल एंड हाउ मेनी कॉलम्स डू वी हैव सो वन सी वन सी टू सी थ्री एंड सी फोर फोर कॉलम्स ठीक है सो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स वन मोर लास्टिंग हमने ऑलरेडीड लूबेबल्स यूज किए थे तो ये काइंड ऑफ एक स्टैंडर्ड है बहुत लोगों के कोड में आपको ये चीज देखने के लिए मिल जाएगी कि आइट रीडिंग वेरिएबल्स का नाम आई और जे रखा जाता है ठीक है तो आगे के सारे क्वेश्चन में हम आई और जे यूज करने वाले हैं एज नेम्स आप कुछ और भी रख सकते हैं बट इट्स जस्ट द स्टैंडर्ड एंड इट्स इजी टू रीड फॉर समबी एल्स दूसरी नेमिंग कन्वेंशन जो हम यूज करने वाले हैं वो ये है कि हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को आर और सी से डिनोट करेंगे सम पीपल ऑल्सो इट बाई एन एंड एम एन नंबर ऑफ रोज एम नंबर ऑफ कॉलम्स

छह कॉलम सिक्स देर आर सिक्स कॉलम्स इन इट ओके सो वट शेल वी डू फॉर ईच रो आप हमारे पास देखिए तीन रो है करेक्ट सो रो वन के अंदर सिक्स स्टार्स हैं रो टू के अंदर भी सिक्स स्टार्स हैं और रो थ्री के अंदर भी सिक्स स्टार्स हैं तो हमें कुछ रिपीटेशन दिख रही है ना हमें तीन रोज पे जाना है तो हम इन तीन रोज पे जाने के लिए एक फॉर लुप यूज करेंगे और हर एक रो में जाने के बाद हमें सिक्स स्टार्स प्रिंट करने हैं विच इज ऑल्सो रिपीटेशन काइंड ऑफ थिंग ठीक है तो हमें ये समझ आ गया कि हमें दो लूप्स लगने वाले हैं एक लूप लगेगा हमें रो पे ट्रावर्स करने के लिए क्योंकि हमें रो वन पे जाना है पर रो वन पे जाने के बाद भी हमें कुछ करना है और रो वन पे जाने के बाद हमें क्या करना है हमें छ स्टार्स प्रिंट करने हैं विच इज इन इट सेल्फ अ रिपीटेटिव वर्क तो उस चीज के लिए भी हम लूप यूज कर सकते हैं फिर हमें रो टू पे जाना है एंड देन अगेन वी हैव टू यूज अ लूप फॉर प्रिंटिंग द सिक्स सिक्स स्टार्स। स्टार्स थर्ड रो ठीक है ये पैटर्न हमारा रहा तो क्या हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं कि हम तीन बार ट्रैवल करना चाहते हैं रो के लिए ठीक है और हर रो के लिए हम क्या करना चाहते हैं हम सिक्स टाइम्स और ट्रैवल करना चाहते हैं क्यों यहाँ पे हम सिक्स टाइम्स ट्रेवल कर रहे हैं आप यहाँ पे ना छह बार छह बार प्रिंट स्टेटमेंट भी लिख सकते थे स्टार प्रिंट करने की पर मान लीजिए क्वेश्चन कहता कि एक रो के अंदर सिक्सटी स्टार्स होते हैं तो आप सिक्सटी टाइम्स थोड़े ना स्टार प्रिंट कर, करने की स्टेटमेंट लिखते इसलिए हम यहाँ पे फॉर लूप यूज कर रहे हैं और सिक्स टाइम्स हमें क्या करना है हमें प्रिंट करना है स्टार ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं हम ठीक है ठेके? we'll so, code a code and then we will come back to it and we will do a quick dry run also now we'll make a loop to iterate over the rows how many rows do we have we have r rows okay r can be 3 or it can be anything else then for each row we have to print six stars

हमें न्यू लाइन में जाना है हमें अगले स्टार जो है सेम लाइन में नहीं लेकर आने वी हैव टू गो ऑन अ न्यू लाइन आफ्टर कंप्लीटिंग वन रो सो वॉट विल डू इज जब i का लूप पूरा हो जाएगा उसके बाद वी विल गेट इन अ न्यू लाइन बाय द स्टेटमेंट ऑन लाइन नंबर थर्टी ओके ठीक है तो एंड एंड लेट्स डू दैट अगेन सो सी कॉलम्स का रेक्टेंगुलर प्रिंट हो गया वी कैन गिव अनदर इनपुट लाइक गिव एनी इनपुट इट ऑल करेक्ट एंड देन जे की वैल्यू वन से सिक्स तक चलती है तो so जब जे की वैल्यू वन हुई तो पहला स्टार प्रिंट हुआ फिर जे की वैल्यू टू हुई दूसरा स्टार प्रिंट हुआ जे की वैल्यू थ्री हुई तीसरा स्टार प्रिंट हुआ सिमिलरली स्टार प्रिंट हो गए उसके बाद जे का लूप खत्म हुआ और यहाँ पे हमने नई लाइन प्रिंट कर रखी है ऐसा यहाँ पे बस हम लिख देते हैं कि दिस इज लाइन तो हम नई लाइन पे आ गए अगली प्रिंटिंग जो होगी वो नई लाइन पे होगी तो आई की वैल्यू टू हुई आई की वैल्यू टू के लिए फिर से जे इक्वल टू तो वन टू तो सिक्स हमारा पैटर्न चला और छह स्टार प्रिंट हो गए एंड देन अगेन फॉर आई इक्वल टू थ्री जे इक्वल टू तो वन टू तो सिक्स रन होता है एंड छह स्टार्स फिर से प्रिंट हो जाते हैं ठीक है सो दिस इज हाउ द ड्राई रन लुक्स लाइक बेसिकली जो हमने नेस्टेड लूप का ड्राई रन किया था इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर सो यू कैन डू इट योर सेल्फ अगैन इफ यू स्टिल फील द नीड ठीक है तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें अगेन वी हैव टू प्रिंट अ रेक्टेंगुलर पैटर्न बट हमें सिर्फ बॉर्डर्स प्रिंट करने हैं वी डोंट हैव टू प्रिंट एनीथिंग इनसाइड इट राइट हमें सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर्स प्रिंट करने हैं अब बॉर्डर्स की क्या स्पेशलिटी है देखिए हमें बेसिकली फर्स्ट रो प्रिंट करनी है करें हमें लास्ट रो पूरी प्रिंट करनी है हमें फर्स्ट कॉलम पूरा प्रिंट करना है और हमें लास्ट कॉलम पूरा प्रिंट प्रिंट करना है प्रिंट हमें बीच में भी करना है पर हमें बीच में स्टार्स नहीं प्रिंट करने हमें बीच में एम्प्टी स्पेस प्रिंट करना है ठीक तो है तो सेम रेक्टेंगुलर पैटर्न है बट कंडीशन क्या है कि अगर हम फर्स्ट रो लास्ट रो फर्स्ट कॉलम या लास्ट कॉलम पे हैं तो हमें स्टार प्रिंट करना है अदरवाइज हमें क्या प्रिंट करना है स्पेस ये स्पेस प्रिंट करना भी जरूरी है ठीक है तो हमारा जो एग्जिस्टिंग कोड है उसी के अंदर सेम कोड बिल्कुल ठीक हर बार हमें ये स्टार प्रिंट नहीं करना देर इज अ कंडीशन इफ वी आर ऑन दी फर्स्ट रो इफ आई इज वन और ठीक है आप और स्टेटमेंट आई होप अब तक समझते हैं इट्स लॉजिकल ऑपरेटर और रिप्रेजेंट्स कि अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो इट विल रिटर्न ट्रू ठीक है तो दिस इज ट्रू ना फर्स्ट रो हो या फिर ठीक है और कंडीशन है हमारे पास या फिर लास्ट रो हो लास्ट रो कैसे रिप्रेजेंट होगी देखिए जब आई अगर हम इसको रो वन कह रहे हैं इसको टू इसको थ्री और इसको फोर तो जब हमारी आई की वैल्यू फोर हो जाएगी वेरिएबल के टर्म्स में जब हमारी आई की वैल्यू आर हो जाएगी कॉलम जे इज इक्वल टू सी विच मीन्स द कॉलम नंबर इज दिस ठीक है देन वी हैव टू प्रिंट अ स्टार एंड इफ दिस इज नॉट द केस देन वी हैव टू प्रिंट

सो सी वी हैव द रेक्टेंगुलर पैटर्न कोड हेयर एग्जैक्टली सेम आई इक्वल टू वन टू आर जाता है जे इक्वल टू वन टू सी जाता है ट्राइंगुलर पैटर्न सी ट्राइंगुलर पैटर्न में देर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ कॉलम बिकॉज हमने क्या डिस्कस किया था आई बोर्ड पे कि फॉर ईच रो द नंबर ऑफ कॉलम्स इज द रो नंबर इट सेल्फ सो नंबर ऑफ कॉलम्स हमें यूजर नहीं इनपुट देगा नंबर ऑफ कॉलम्स डिटरमाइन होंगे हर रो के उस रो के नंबर के बेसिस पे ठीक है तो सी इनपुट लेने की हमें जरूरत नहीं है ट्राइंगलर पैटर्न में और हमें सी इनपुट नहीं लेना है हमें कितने स्टार्स प्रिंट करने हैं वेरिएबल जहाँ पे रो नंबर स्टोर्ड है राइट right? क्योंकि जब रो नंबर वन पे होते हैं तो आई वन होता है रो नंबर टू पे होते हैं तो आई टू होता है और उसी बेसिस पे हमें नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करने हैं तो जे की वैल्यू वन से आई तक जाएगी ठीक है नॉ लेट्स रानिट सिर्फ एक इनपुट देना इस बार लेट्स ट्राइंगुलर पैटर्न हैविंग सिक्स रोस ठीक आप कोई और भी इनपुट देके रन कर सकते हैं आउटपुट ठीक आएगा सो दिस वॉज ट्रायंगुलर पैटर्न ट्राइंगुलर पैटर्न से हमें एक बात समझ आई कि नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ स्टार्स जो हमें प्रिंट करने हैं इट मे वैरी इट मे वेरी अकॉर्डिंग टू समथिंग एल्स जरूरी नहीं है कि वो यूजर इनपुट दे इट कैन बी एनी थिंग इट मे बी समथिंग रिलेटेड टू द रो नंबर इट मे बी समथिंग एल्स वी विल सी ओके इन अदर क्वेश्चन सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राइंगुलर पैटर्न ठीक है इस बार वी है ट्राइंगल इन दिसप ठीक सो so इसमें हम देखते हैं क्या हो रहा है इसमें भी हमारे पास रो नंबर वन है रो नंबर वन में हमने कितने स्टार्स प्रिंट किए हुए हैं इस केस में फोर रो नंबर टू में हमने कितने स्टार्स प्रिंट किए थ्री और थ्री में स्टार्स प्रिंट किए हैं हमने टू और रो नंबर फोर में वी हैव हाँ प्रिंटेड ओनली वन स्टार ठीक है

क्या मैं थ्री को फाइव माइनस टू लिख सकती हूँ और क्या मैं टू को फाइव माइनस थ्री लिख सकती हूँ करेक्ट लिख सकती हूँ और वन को मैं फाइव माइनस फोर लिख सकती हूँ अब ये जो फाइव है ये कॉमन हो गया ना हर केस में और फाइव क्या है देखिए आर हमारा फोर है तो अगर हम आर के टर्म्स में फाइव को लिखें तो ये क्या ये आर प्लस वन नहीं है ठीक है फाइव इज वॉट फोर प्लस वन राइट right? और माइनस क्या चीज हो रही है ये देखिए ये इंटरेस्टिंग है यहाँ पे रो वन था तो वन माइनस हुआ रो टू था तो टू माइनस हुआ रो थ्री था रो थ्री माइनस हुआ रो फोर था तो फोर माइनस हुआ मिल गया हमें हमारा रिलेशन फोर प्लस वन माइनस आए हमने आए से रिलेट कर लिया नंबर ऑफ रो से हमने रिलेट कर लिया कि हमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स या कितने नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करने हैं वॉट इज दिस फोर दिस इज आर ओनली so for each row for ith row how many stars do we have to print we have to print r plus 1 minus i stars theek hai now let's change our triangular pattern wala code itself to print a reverse triangle pattern तो इस बार हमारा जो J है वो I तक नहीं जाना चाहिए वो कहाँ तक जाना चाहिए R प्लस वन माइनस आई ठीक है Now let's run it. Six input देते ठीक so है Actually, एक ट्रिक और मैं आपको बताती जो अभी हमने reverse rectangle, जो अभी हमने हमने किया है उसको एक और सिंपल तरीके से किया जा सकता था अब देखिए जो फोर थ्री टू वन ये जो वन टू थ्री फोर है ये क्या है ये वेरिएबल्स हैं जो हम असाइन कर रहे हैं आइट्रेशन के दौरान तो हम अगर ये कहें कि ये वाली जो रो है ना ये रो नंबर फोर है हम इसको रो वन कहते ही नहीं है हम इसको रो फोर कह देते हैं हम इसको रो थ्री कह देते हैं रो टू और रो वन तो इस पर्टिकुलर केस में फॉर ईच आई द नंबर ऑफ कॉलम्स आर ऑल्सो आई बट हमें इस बार लूप उल्टा लगाना पड़ेगा ठीक है तो वन टू थ्री फोर की जगह हमें लूप लगाना पड़ेगा फोर थ्री टू वन और जो सी की वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर केस में अगर आर की वैल्यू बेसिकली रो अगर आय है तो नंबर ऑफ कॉलम्स आर ऑल्सो आय ठीक है बस लूप उल्टा लगेगा एक बार अपने एग्जिस्टिंग कोड में इसको चला के देख लेते हैं तो आई की वैल्यू आर से शुरू करनी है वन तक लेके जानी है और आई को करना है माइनस माइनस ठीक है तो ये बताने का रीजन है कि आई माइनस माइनस वाली चीज भी दिखाना था कि आप ऐसे भी फॉर लूप लिख सकते हैं अब ये कहाँ तक जाएगा ये सिर्फ वाई तक जाएगा प्रिंट करते हैं आउटपुट अभी भी सेम आएगा वी विल स्टिल गेट द रिवर्स ट्रायंगुलर पैटर्न एंड सी द आउटपुट सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज अ पिरामिड पैटर्न ठीक है ये एक पिरामिड पैटर्न है बट एक्चुअली लेट्स डू वन थिंग इस नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जो हमने अभी तक देखा है उससे जो हमारी समरी निकल के आती है हम उसको लिस्ट डाउन करते हैं ठीक है एंड लेट्स फॉर्म अ कॉमन पैटर्न फॉर सॉल्विंग दीज पैटर्न प्रॉब्लम्स ठीक तो पहली चीज़ जो हमें करनी होती है वो हमें ये देखना होता है कि पैटर्न में कितने रोज और कितने कॉलम्स दिए गए हैं आपको कोई भी पैटर्न देखे और आपको बोला जाए प्रिंट करो तो पहले ये देखो कि इसके अंदर कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं ठीक है दूसरी चीज़ आप ये देखो कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में क्या रिलेशन है डिराइव रिलेशन ंगर पैटर्न में क्या रिलेशन था रो नंबर कुछ भी हो सी कॉलम्स ही चाहिए थे रिवर्स में क्या रिलेशन था फॉर इच रो आई वी वॉन्टेड आर प्लस वन माइनस आई कॉलम्स ठीक है तो ये रिलेशन हमको डिराइव करना है और तीसरी चीज जो हमें चाहिए है वो ये है कि हमें क्या प्रिंट करना है वर्ड टू प्रिंट एंड वेयर टू प्रिंट कहाँ प्रिंट करना है और क्या प्रिंट करना है हैलो रेक्टेंगुलर पैटर्न क्वेश्चन उसमें हमें कुछ जगहों पर स्टार प्रिंट करना था कुछ जगहों पर हमें स्पेस प्रिंट करना था ठीक है तो हमें ये देखना है कि हमें क्या प्रिंट करना है क्या कैरेक्टर हमें प्रिंट करना है और कहाँ प्रिंट करना है ठीक है ये तीन मोटा मोटा हमारा अभी तक का समरी रहा फॉर सॉल्विंग पैटर्न टाइप क्वेश्चन और आप कोई भी पैटर्न क्वेश्चन आए आप इन टर्म्स में सोच के कुछ ना कुछ सोल्यूशन बना सकते हैं ठीक है ठीक है ना लेट्स लेट्स ही की क्या ऑब्जर्वेशन हमें मिल रही है कोई रिलेशन हमें मिल रही है रोज और कॉलम्स के बीच में या नहीं ठीक है इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी हैं वन टू थ्री फोर ठीक है तो हमारे पास फोर रोज हैं और पहले वाले रो में एक स्टार है अगले रो में तीन स्टार हैं फिर पांच स्टार हैं एंड देन वी हैव सेवन स्टार्स सो रो के अंदर सो फॉर ईच रो द नंबर ऑफ स्टार्स आर इंक्रीजिंग बाय टू पर स्टार से पहले भी कुछ है स्टार से पहले क्या है एम स्पेसेस हैं अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा होगा फर्स्ट रो में देर आर थ्री एम टी देन देर इज अ स्टार सेकेंड रो में देर आर टू एम टी स्पेसिस एंड देन देर आर थ्री स्टार्स उसके बाद थ्री स्टार्स के बाद, क्या हो, बाद space, तो क्या हो रहा है क्या हो रहा है रो वन में हमारे पास पहले देखते स्पेसेस कितने और स्टार्स कितने रो वन वी हैव वन स्टार

और ये फोर माइनस फोर है ठीक है और i क्या है i वन टू थ्री फोर चल रहा है यहाँ पे दीज आर दैल्यूज ऑफ i दीज आर द नंबर ऑफ दैट वी स्पेस में और i में तो एक रिलेशन मिल गया है सो फॉर वैल्यू आई फॉर रो वैल्यू आई हाउ मेनी डू वी वी स्पेसिस बिकॉज फोर क्या है फोर इज आर ओनली एंड वन टू थ्री फोर हम जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इट इज करस्पॉन्डिंग टू आई ठीक फॉर आई एव टू प्रिंट आर माइनस आई और कितने क्या हम इस सेवन को टू इंटू फोर माइनस वन नहीं लिख सकते हैं? हम फाइव को टू इंटू थ्री माइनस वन लिख सकते हैं थ्री को टू इंटू टू माइनस वन और वन को टू इंटू वन माइनस वन तो अगर आप इस पैटर्न को नोटिस करें तो वी हैथिंग बट टू इंटू आई माइनस वन में हम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं रो नंबर टू में टू से थ्री में थ्री से और फोर में फोर से टू की मल्टीप्लीकेशन सब में कॉमन है सब्ट्रैक्शन में कॉमन है तो बेसिकली हमने क्या कंक्लूड किया कि फॉर फॉर एनी रो पिरामिड लॉजिक दैट वी हैव डिस्कस्ड So, we have taken R input from the user and we need one loop to iterate over all the rows. And how many rows do we have? R. Now, for each row, what we have to do? We have to first print R minus I spaces. So, what is this loop doing? Traversing over rows now we want to print spaces and how many spaces we want to print r minus i spaces so print r minus i spaces right after printing r minus i spaces we want to print some stars and how many stars do we want to print 2 into star 2 into i minus 1 right and once we have printed the spaces and once we have printed the stars we want to move to the new line tick so to print r minus i spaces we will again use a for loop and how many spaces less than or equal to r minus i so if i'm starting from 1 and i'm iterating to r minus i then essentially i am running the loop r minus i times right

वेरी सुन सो तब आपको समझ आएगा कि मैंने क्यों बोला कि यहाँ पे जे भी लिखा जा सकता था बट फॉर नाउ आई जस्ट राइट के ओनली ओके एंड हाउ मेनी टाइम्स टू इंटू आई माइनस वन एंड प्लस प्लस एंड वॉट वी वॉन्ट टू प्रिंट इज सो दिस कोड कोिड्स गिव फाइव एस दी इनपुट एंड सी वी है पिरािड ऑफ फाइव रोज ओके सो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा uh, इसमें थोड़ा सा अलग पुराने पैटर्न्स में क्या था पुराने पैटर्न में हम एक लूप के अंदर सिर्फ एक ही लूप लिख रहे थे ठीक है यहाँ पे हम एक लूप के अंदर दो लूप्स लिख रहे हैं नेस्टिंग का लेवल वन ही है हम आई के अंदर जे और जे के अंदर के नहीं लिख रहे हैं आई के अंदर हम जे और के दोनों लिख रहे हैं ठीक है डिफरेंस है? है इन दो चीजों में ठीक एक अच्छा क्वेश्चन था कि हम रिलेशन कैसे डराइव कर सकते हैं आई आर सी जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनके टर्म्स में हमें कोई रिलेशन ड्राइव करनी है और पैटर्न प्रिंट करना है नाउ लेट्स डू न्यूमेरिकल रेक्टेंगुलर पैटर्न ठीक है इस पैटर्न में देखते हैं हो क्या रहा है रो वाइज जैसे अभी तक अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा कि हम कैसे सोचना शुरू कर सकते हैं हम रो वाइज देखते हैं ठीक है रो वन में क्या है देखिए वन से सेवन तक सारे नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं वन टू सेवन रो टू में क्या हो रहा है टू टू सेवन सारे नंबर प्रिंट हो रहे हैं और फिर वन से सिर्फ वन है यहाँ पे ठीक है और वन टू सेवन के बाद पहली रो में तो कुछ भी नहीं था रो थ्री में थ्री टू सेवन सारे नंबर्स हैं और फिर वन से टू तक है बेसिकली आप पीछे की तरफ देखेंगे तो वन टू टू है और टू के आगे की सारी चीजें स्टार्टिंग में है ठीक रो फोर में फोर टू सेवन सारे नंबर्स हैं एंड देन फोर टू सेवन के बाद वन टू थ्री सारे नंबर्स हैं ठीक रो फाइव में फाइव टू सेवन नंबर्स हैं एंड देन वन टू फोर सारे नंबर्स हैं सिमिलरली आप रो सिक्स और रो सेवन का देख सकते हैं ठीक है रो सेवन में सिर्फ सेवन था और फिर वन टू सिक्स सारे नंबर्स थे तो नाउ लेट सी कि हम क्या पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं इस रो को पकड़ते हैं रो थ्री को इतना तो हमें समझ आ रहा है फॉर ईच रो ये चीज विजिबल है कि हम जिस भी रो नंबर पे हैं हमें प्रिंट करना वहीं से शुरू करना है हम रो नंबर फोर पे थे तो हमने फोर से प्रिंट करना शुरू किया और हमने कहां तक प्रिंट किया जो भी हमारा लास्ट नंबर है सेवन इस केस में ठीक सो लेट्स से यहाँ पे आर की वैल्यू हमें सेवन मिली ठीक है तो आपने आई टू आर प्रिंट किया करेक्ट पहले आपने आई टू आर प्रिंट किया उसके बाद वन टू थ्री हर बार वन से ही शुरू कर रहे हैं हम और कहाँ तक प्रिंट कर रहे हैं जो भी हमारा रो नंबर था उससे एक कम ठीक है तो अगर हम पैटर्न को यहां पे लिखें, तो पैटर्न कुछ ऐसा बन के आ रहा है कि आई टू आर प्रिंट कर रहे हैं हम और उसके बाद वन टू आई माइनस वन ठीक है फॉर ईच रो हमने पैटर्न डराइव कर लिया है अब एक बार प्रिंट करके देखते हैं सो न्यूमेरिकल रेक्टेंगुलर पैटर्न हर रो पे हमें आइड्रेट करना है फॉर ईच रो हमें पहले आई टू आर सारे नंबर्स प्रिंट करने हैं सो फॉर इन जे इक्वल टू आई कहां से शुरू करना है हमें आई से शुरू करना है ठीक है जे लेस देन इक्वल टू आर जे प्लस प्लस एंड वॉट वी हैव टू प्रिंट इस सिचुएशन में वी हैव टू प्रिंट जे ओनली ठीक है बिकॉज जे स्टार्टिंग फ्रॉम आई एंड इट इज मूविंग टिल आर सो मान लीजिए आई की वैल्यू फोर हो जाती है और आर की वैल्यू सेवन है सो so, जे का लूप फोर से सेवन प्रिंट करेगा okay. अब ये सीधी काउंटिंग वन टू सेवन तो हमने प्रिंट कर लिया या जो भी हमारा फर्स्ट पार्ट था सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रिंट करना है वन टू आई माइनस वन ठीक सो फॉर इंट के इज इक्वल टू वन के लेस देन इक्वल टू आई माइनस वन एंड के प्लस प्लस एंड वी हैव टू प्रिंट के और जब हम ये दोनों चीजें प्रिंट कर दें उसके बाद हमें एक न्यू लाइन में भी आना है तो विल यूज एल एन हेव ना लेट्स रन इट लेट्स गिव सेवन इनपुट ओनली सो सी वन टू सेवन एंड देन लास्ट रो इज सिक्स सेवन वन टू फाइव एंड सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स रेक्टेंगुलर पैटर्न ही है बट स्टार्स की जगह इस बार नंबर प्रिंट हो रहे हैं ठीक है तो हमें ये तो समझ आ रहा है पैटर्न देख के कि हर रो में फॉर ईच रो वी हैव टू प्रिंट वन टू सिक्स ऑल द नंबर्स सो जो हमारा इनर लूप है जे वो तो वन टू सिक्स ही चलेगा कोई कैरेक्टर नहीं प्रिंट करना हमें खुद नंबर ही प्रिंट करना है और वह नंबर हमारे पास कहाँ है जो इस पैटर्न में चलते जा रहा है जे ही वो नंबर है जे वन टू सिक्स चल तो रहा है राइट right? सो so हम जे प्रिंट करेंगे इंस्टेड ऑफ स्टार तो ये हमारा क्वेश्चन था रेक्टेंगुलर पैटर्न स्टार में प्रिंट करने का बस सिर्फ एक चेंज करना है इस स्टार को हटा के यहाँ पे जे लिख देना है और रन करके देखते हैं देते हैं और सेवन कॉलम्स देते हैं तो देखिए सिक्स रोज आ गई और सेवन कॉलम्स आ गए ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन फॉर ईच रो वी आर प्रिंटिंग वन टू सेवन ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ंगर पैटर्न विद कॉलम और लास्ट कॉलम में हमें प्रिंटिंग करनी है और बाकी जगहों पर हमें स्पेसिस प्रिंट करने हैं तो सेम लॉजिक आप यहाँ पे लगाएंगे इस लाइन नंबर टेन के बाद लाइन इलेवन से पहले वी विल आर्डर इफ कंडीशन की फर्स्ट रो लास्ट रो फर्स्ट कॉलम या लास्ट कॉलम में है तो प्रिंट जे करिए वरना प्रिंट स्पेस कीजिए ठीक है तो आई होप ये आप खुद से चेंज करके देख सकते हैं नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस पैटर्न ये थोड़ा सा कुछ अजीब लग रहा है थोड़ा ये एक अच्छा सवाल है इसको ध्यान से समझते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे वन टू वन टू वन टू अगली रो में टू से शुरू हो रहा है टू वन टू वन टू वन फिर वन से शुरू हो रहा है वन टू वन टू फिर टू वन टू ठीक है कुछ अभी देखते हैं क्या पैटर्न बन रहा है अच्छा जो हमने मैट्रिसेस अभी पढ़े थे ठीक है उसमें हमने रो कॉलम तो देख लिया था एक उनकी रिप्रेजेंटेशन हम भी दोबारा से हम क्विकली देख लेते हैं ठीक है तो इस मैट्रिक्स में ये जो हमारी फर्स्ट रो है इसके अंदर रो नंबर वन लिख देते हैं ये जो पूरी की पूरी फर्स्ट रो है इसके अंदर जो भी बॉक्सेस हैं ये सब रो वन का ही पार्ट है ना तो यहाँ पे मैंने कॉर्नर में छोटा सा वन लिख दिया है और ये सब सेकेंड रो है करेक्ट और ये सब थर्ड रो है राइट नाउ लेट्स सी कॉलम्स कॉलम्स ऐसे होते हैं ना तो ये जो पहला वाला कॉलम है इसके अंदर सारे बॉक्सेस का कॉलम नंबर वन है सेकेंड में सेकेंड है एंड देन एंड राइट सो ये काइंड kind ऑफ of हमने इंडेक्सिंग कर दी मैट्रिक्स के अंदर अब अपना पैटर्न इसके अंदर ना एक बार लिख के देखते हैं कि क्या हो रहा है ऐसा कुछ पैटर्न है वन टू वन टू मतलब डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऐसा कुछ चलने वाला है देखिए एक चीज नोटिस कीजिए ये जो सेल्स हैं इनका सम वन प्लस वन क्या है टू और वन प्लस थ्री क्या है फोर विच इज इवन टू प्लस टू फोर है टू प्लस फोर सिक्स है और थ्री प्लस वन फोर है और थ्री प्लस थ्री सिक्स है तो ये जो मैंने व्हाइट कलर से सर्कल किए हैं इन सारे सेल्स के लिए i प्लस जे आई वॉट वॉट इज आई आई इज द रो नंबर जे इज द कॉलम नंबर ये i प्लस जे इवन है और जो बाकी बचे हुए सेल्स हैं जिनको मैंने ग्रीन में मार्क किया है वन प्लस टू थ्री वन प्लस फोर फाइव थ्री फाइव फाइव सेवन इन सब के लिए आई प्लस जे ऑड है तो एक रिलेशन डराइव हो गया कि आई प्लस जे इवन है तो वन प्रिंट करना है आई प्लस जे ऑड है तो टू प्रिंट करना है ठीक है तो रिलेशन डराइव हो गया क्या प्रिंट करना है ये देख लिया कहाँ प्रिंट करना है ये देख लिया ठीक है नाउ लेट्स गेट टू कोड तो इसी रेक्टेंगुलर पैटर्न के अंदर हमने दो लूप्स लगाए आई का लूप गया वन टू आर जे का लूप गया वन टू सी इसके अंदर कंडीशन लगा दी इफ आई प्लस जे इज इवन इवन होता है ये कैसे पता चलता है मॉडल टू एंड डबल इक्वल टू ऑपरेटर ऐसा है तो हमें प्रिंट करना है वन अदरवाइज हमें प्रिंट करना है two. और जब एक रो हमारी पूरी हो जाए यानी कि एक आय का अल्ट्रेशन पूरा हो जाए उसके बाद हमें न्यू लाइन प्रिंट करनी है जो यहां ऑलरेडी लिखा हुआ है नाउ लेट्स रन इट इनपुट देते हैं फोर रोज एंड लेट्स से सिक्स कॉलम्स जो हमें एग्जाम्पल में भी दिया गया था सो वी हैव पैटर्न प्रिंटेड हियर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ न्यूमेरिकल ट्राइंगुलर पैटर्न हमने ट्राइंगुलर पैटर्न प्रिंट किया था स्टार्स के लिए और व्हाट वाज़ द रिलेशन दैट वी डिराइव्ड द नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू द रो नंबर सो अगर हम थर्ड रो पे हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स आने थे तीन और हम प्रिंट करते थे स्टार तो लॉजिक रिलेशन तो अभी भी सेम ही है सिर्फ एक चीज बदल रही है वो क्या है कि हमें क्या प्रिंट करना है ठीक है तो हम ट्राइंगुलर पैटर्न के कोड पे जाते हैं जहां हमने स्टार वाला ट्राइंगुलर पैटर्न लिखा था So, we have to have. So, we have taken R as an input from the user, and as usual, we will start with our outer loop. The outer loop goes from 1 to R, and the inner loop will go from J to I. Right? As we discussed already for the triangular pattern.

फॉर रो नंबर वन देर आर सम्पेसिफाइड नंबर ऑफ थ्री राइट थ्री स्पेसेस पिरामिड में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें आर माइनस आई स्पेसेस प्रिंट करने होते हैं उसके बाद हमें स्टार्स प्रिंट करने थे टू इंटू आई माइनस वन पर वो तो स्टार्स वाला पैटर्न था तो अब हमें यहां पर नया नंबर डिराइव करना पड़ेगा बट वन थिंग वी नो फॉर श्योर की स्पेसेस आर माइनस आई ही है आर एक, एक काम करते हैं रो नंबर थ्री उठाते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या हो रहा है रो थ्री में वन से थ्री तक सारे नंबर है। ठीक है रो नंबर फोर देख लेते हैं एक बार वन से फोर तक सारे नंबर्स हैं और फिर थ्री टू वन जा रहे हैं तो क्या हो रहा है ध्यान से देखिए ये हम वन टू आई जा रहे हैं और उसके बाद हम आई माइनस वन टू बन जा रहे हैं क्योंकि i की वैल्यू थ्री है तो i माइनस वन टू ही होगा ना सेम चीज यहाँ भी i और हमें कितने देने आप i तो क्या पैटर्न हमें देना है आर माइनस आई देन वन टू आई ऑल द नंबर्स देन आई माइनस वन टू वन ऑल द नंबर्स ठीक लेट्स क्विकली इट आउट तो दिस इज कोड इसी के अंदर हम चेंजेस करते हैं ओके okay? फॉर ईच रो वी हैव टू प्रिंट आर माइनस आई स्पेसिस वो तो अभी भी करना है हमें पर ये नहीं करना हमें हमें क्या करना है यहाँ पे हमें वन टू आई सारे नंबर्स प्रिंट करने हैं और उसके बाद हमें आई माइनस वन टू वन सारे नंबर्स प्रिंट करने हैं ठीक है सो फॉर इंट के इज इक्वल टू वन के लेस देन इक्वल टू आई के प्लस प्लस print. k correct. and then we have to go from i minus 1 to 1. so this is going to be a decrementing loop. so we will have to start from i minus 1. and we will have to make sure that our iterating variable is greater than equal to 1 at all points. and we will be decreasing it in every iteration. then we'll print l.

ट्राइंगुलर के लिए करनी है ट्राइंगल के लिए करनी है सो आई विल लीव दिस क्वेश्चन ऑन यू टू प्रिंट अ अलो ट्राइंगुलर केस में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है हमने पिछले क्वेश्चन में स्टार प्रिंट किया है कुछ केसेस में जे के या एल प्रिंट किया था अब आप ध्यान से देखिए और ये सोचिए कि इसमें हमें क्या प्रिंट करना है क्या हमें इसमें आई प्रिंट करना है या जे प्रिंट करना है ठीक है कॉमेंटेड डाउन एंड आई होप कि आप ये क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं

लॉजिक सोचने में आपको बहुत मजा आने वाला है जो भी क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट्स में मिल रहे हैं नोट्स में मिल रहे हैं उनको सॉल्व कीजिए एंड सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आपको जितनी प्रॉब्लम्स मिल रही हैं पैटर्न्स की सारी सॉल्व कीजिए आपके फॉर लूप्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे इन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से एंड बिलीव मी एडवांस्ड टॉपिक्स आप तभी समझ पाएंगे जब आपके बेसिक फंडामेंटल्स जैसे फॉर लूप्स कंडीशनल्स ऑपरेटर्स ये कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं हुए तो आप एडवांस टॉपिक्स को समझने में दिक्कतें फेस करेंगे तो इसलिए अभी आप मेहनत कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आई एल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर तब तक के लिए लेक्चर्स देखते रहिए कोट करते रहिए और लाइफ एंजॉय कीजिए और वॉचिंग दिस वीडियो एज अ जेंटल रिमाइंडर आप पीडब्ल्यू स्किल्स डॉट कॉम वेबसाइट पर जाके लेक्चर्स के नोट्स असाइनमेंट्स और अपकमिंग लेक्चर्स का शेड्यूल एक्सेस कर सकते हैं एंड ऑल ऑफ दिस इज़ एबसलूटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आई विल हाईली एडवाइज़ कि आप असाइनमेंट्स जरूर से सोल्व करें लेक्चर्स के वीडियोज़ तो देखें ही बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप असाइनमेंट भी सोल्व करें आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी ग्रिप और मास्टरी बनेगी अगर आप साथ प्रैक्टिस -साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहेंगे और अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कर सकते हैं